बिटिया फाउंडेशन संस्थान बरमाना द्वारा कोरोना वायरस महामारी के दौरान इस बीमारी से बचने के लिए पिछले एक महीने में 5,000 से अधिक मास्क बनाकर जरूरतमंद और प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में वितरित किए गए। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा संख्या ने बताया कि जबकि हर रोज बाहरी राज्यों से यहाँ फंसे सैकड़ों मजदूरों को खाद्य व अन्य सामग्री निरंतर उपलब्ध करवाने का महत्वपूर्ण कार्य संस्था द्वारा किया जा रहा है। सीमा संख्यान ने बताया कि बरमाना स्थित फाउंडेशन कार्यालय में सिलाई सेंटर की अध्यापिका नीलम देवी की अध्यक्षता में सरिता देवी व अन्य लोगों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने मास्क तैयार किए हैं। उन्होंने बताया कि समुचित मात्रा में बाजार में कपड़ा खरीदकर महिलाओं के सहयोग से मास्क तैयार किए गए, जो एक पुण्य काम है। सीमा संख्यान ने बताया कि उनका लक्ष्य है कि समस्त बरमाना के घर घर में संस्था के द्वारा तैयार किए गए मास्क पहुंचा सके। उन्होंने बताया कि मास्कों को गांव में प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए संस्था ने एक टीम भी तैयार की है, जो प्रत्येक घर में जाकर इन मास्कों को पहुंचा रही है। नमस्कार, आज हम बरमाना के नालक गांव में हैं, बिटिया फाउंडेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सीमा संख्या, और हम लोग प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने के साथ साथ उन सबकी सेफ्टी के लिए मास्क का काम भी कर रहे हैं, जो कि हमारी नालक की टीम बना रही है, जिसमें कि मुख्यतः हमारे बरमाना के सिलाई सेंटर के टीचर नीलमा देवी जी, उनके पास जितने भी वहाँ सिलाई सेंटर में इनके पास पढ़ने आते थे या सीखने आते थे वो लोग भी शामिल हैं, और हमारे गांव की वो महिलाएं शामिल हैं जो कि हाउसवाइफ थी, घर में काम करती थी, वो समय निकाल के मास्क बना रही है, और हम ये मास्क जो है लोगों को फ्री में बांट रहे हैं। हम लोग कपड़ा खरीद के लाते हैं और एक दिन में हमारा टारगेट है 200 मास्क बनाना, जिसमें कि अभी तक हमने सुंदरनगर से लेके बिलासपुर तक और इधर घुमारवीं बरठी तक जो है हमारे मास्क बन रहे हैं, जो कि गरीब लोगों को दिए जाते हैं, गांव में दिए जाते हैं, पुलिस वालों को दिए जाते हैं, ताकि लोग जो है अपना मुँह ढके और मास्क पहन के चलें। आज हमने विशेष तौर पर ये इस कलर के मास्क बनाए जो कि मूलतः हॉस्पिटलों में मिलते हैं या डॉक्टर के पास मिलते थे, तो आज हमने इस कलर के भी मास्क बनाए। और दूसरा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि एक हमने तीन रंग का मास्क बनाया, जिसको वैसे हम तिरंगा कहते हैं, लेकिन तिरंगा तभी पूरा होता है जब उसमें अशोका लगता है, और ये तीन रंग का मास्क है सिर्फ ऑफिसेज में रखने के लिए, ताकि लोगों को याद रहे कि जब कोरोना जैसी महामारी हमारे देश में फैली थी, पूरे दुनिया में फैली थी, तो हम लोगों ने, महिलाओं ने एक होके, इंडिया की महिलाओं ने एक होके उस लड़ाई की जंग को जीता था।